नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी पर, जहां आज हम पेड़ों से जुड़े रोचक और ज्ञानवर्धक एमसीक्यूज लेकर आए हैं। पेड़ न केवल हमारी धरती की शान है बल्कि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा भी है। अगर आप पर्यावरण और प्रकृति में रुचि रखते हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इन पेड़ों की दुनिया के बारे में और जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने स्कोर कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ऊंचा वृक्ष किस प्रजाति का है? ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी रेडवुड, ऑप्शन सी पाइन या ऑप्शन डी मैपल। सही आंसर है ऑप्शन बी रेडवुड। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ट्री कंडक्ट फोटोसिंथेसिस? वृक्ष का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? ऑप्शन ए रूट्स, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी लीव्स या ऑप्शन डी फ्लावर्स। सही आंसर है ऑप्शन सी लीव्स। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए बैनियन ट्री, ऑप्शन बी नीम ट्री, ऑप्शन सी मैंगो या ऑप्शन डी पीपल। सही आंसर है ऑप्शन ए बैनियन ट्री। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रीज रूट्स? वृक्ष की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए अब्सॉर्ब सनलाइट, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट वाटर, ऑप्शन सी एंकर द ट्री और ऑप्शन डी प्रोड्यूस फ्लावर्स। सही आंसर है ऑप्शन सी एंकर द ट्री। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन? नीचे दिए गए वृक्षों में से कौन सा सबसे लंबा जीवन जीता है? ऑप्शन ए बर्ड्स ट्री, ऑप्शन बी ओक, ऑप्शन सी पाइन या ऑप्शन डी रेडवुड। सही आंसर है ऑप्शन डी रेडवुड। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू रीजनरेट आफ्टर बीइंग कट डाउन? कौन सा वृक्ष अपनी कटाई के बाद पुनः उगने की क्षमता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी बैनियन ट्री, ऑप्शन सी यूकैलिप्टस या ऑप्शन डी बैम्बू। सही आंसर है ऑप्शन डी बैम्बू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थिक आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री कॉल्ड? वृक्ष की मोटी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लीव्स, ऑप्शन बी बार्क, ऑप्शन सी सैप या ऑप्शन डी रूट। सही आंसर है ऑप्शन बी बार्क। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री प्रोड्यूसेस द एकॉर्न? कौन सा वृक्ष एकॉर्न बलूत फल उत्पन्न करता है?
ऑप्शन ए पाइन, ऑप्शन बी ओक, ऑप्शन सी मैपल या ऑप्शन डी बर्ड्स। सही आंसर है ऑप्शन बी ओक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ट्री लीव्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वृक्ष के पत्तों की प्राथमिक भूमिका क्या है। ऑप्शन ए अब्सॉर्ब वाटर, ऑप्शन बी अब्सॉर्ब सनलाइट, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स और ऑप्शन डी स्टोर ऑक्सीजन। सही आंसर है ऑप्शन बी अब्सॉर्ब सनलाइट। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज फेमस फॉर इट्स वीपिंग ब्रांचेस। किस वृक्ष को अपनी झुकी शाखाओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए विलो, ऑप्शन बी ओक, ऑप्शन सी पाइन और ऑप्शन डी मैपल। सही आंसर है ऑप्शन ए विलो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज कंसिडर्ड सैक्रेड इन हिंदुइज्म। नीचे दिए गए वृक्षों में से कौन सा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बैनियन, ऑप्शन सी पीपल या ऑप्शन डी मैंगो। सही आंसर है ऑप्शन सी पीपल। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री हैज लीव्स शेप लाइक नीडल्स। कौन सा वृक्ष अपनी पत्तियों को सुई के समान आकार में होता है। ऑप्शन ए पाइन, ऑप्शन बी ओक, ऑप्शन सी मैंगो और ऑप्शन डी मैपल। सही आंसर है ऑप्शन ए पाइन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्री इज अ साइप्रस। साइप्रस किस प्रकार का वृक्ष है। ऑप्शन ए डेसीडस, ऑप्शन बी एवरग्रीन, ऑप्शन सी कॉनिफेरस या ऑप्शन डी फ्रूट बियरिंग। सही आंसर है ऑप्शन बी एवरग्रीन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ट्रीज हैज द थिकेस्ट वुड। इनमें से किस वृक्ष की लकड़ी सबसे मोटी होती है। ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी पाइन, ऑप्शन सी रेडवुड या ऑप्शन डी मैपल। सही आंसर है ऑप्शन सी रेडवुड। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल। कौन सा वृक्ष मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करने की अद्वितीय क्षमता रखता है। ऑप्शन ए एसेशिया, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी पाइन या ऑप्शन डी ओक। सही आंसर है ऑप्शन ए एसेशिया। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल व्हाइट फ्लावर्स दैट ब्लूम्स इन द स्प्रिंग। कौन सा वृक्ष अपनी सुंदर सफेद फूलों के लिए जाना जाता है जो वसंत में खिलते हैं। ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी मैग्नोलिया,
ऑप्शन सी पाइन या ऑप्शन डी मैपल। सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नोलिया। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज फेमस फॉर इट्स लार्ज ब्राइट येलो फ्लावर्स एंड इज ऑल्सो द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। किस वृक्ष को अपने बड़े चमकीले पीले फूलों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और ये भारत का राष्ट्रीय फूल भी है। ऑप्शन ए लोटस, ऑप्शन बी सनफ्लावर, ऑप्शन सी नीम और ऑप्शन डी गुलमोहर। सही आंसर है ऑप्शन डी गुलमोहर। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज कंसिडर्ड द ट्री ऑफ लाइफ इन मेनी कल्चर्स। कौन सा वृक्ष कई संस्कृतियों में जीवन वृक्ष माना जाता है। ऑप्शन ए बैनियन ट्री, ऑप्शन बी ऑलिव ट्री, ऑप्शन सी कोकोनट और ऑप्शन डी बाओबैब। सही आंसर है ऑप्शन डी बाओबैब। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज ऑफन एसोसिएटेड विद द सिंबल ऑफ पीस। कौन सा वृक्ष अक्सर शांति के प्रतीक के रूप में जुड़ा होता है। ऑप्शन ए ऑलिव, ऑप्शन बी पाइन, ऑप्शन सी बैनियन और ऑप्शन डी मैंगो। सही आंसर है ऑप्शन ए ऑलिव। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज फेमस फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एट नाइट। कौन सा वृक्ष रात में ऑक्सीजन उत्पन्न करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी ओक और ऑप्शन डी बैनियन। सही आंसर है ऑप्शन ए पीपल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ट्रीज इज ऑफन एसोसिएटेड विद क्रिसमस। इनमें से कौन सा वृक्ष अक्सर क्रिसमस के साथ जुड़ा होता है। ऑप्शन ए पाइन, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी बैनियन और ऑप्शन डी ओक। सही आंसर है ऑप्शन ए पाइन। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री हैज अ रेपुटेशन फॉर बीइंग द ट्री ऑफ विजडम। कौन सा वृक्ष ज्ञान का वृक्ष होने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बैनियन, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी ओक और ऑप्शन डी मैंगो। सही आंसर है ऑप्शन बी पीपल। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू सर्वाइव इन ड्राई एरिड क्लाइमेट्स। कौन सा वृक्ष शुष्क शोषित वातावरण में जीवित रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए बाओबैब, ऑप्शन बी विलो, ऑप्शन सी मैपल और ऑप्शन डी पाइन। सही आंसर है ऑप्शन ए बाओबैब। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज नोन फॉर इट्स यूनिक ट्विस्टेड एंड स्पाइरल शेप्ड ब्रांचेस। कौन सा वृक्ष अपनी अद्वितीय मुड़ी हुई और घुमावदार शाखाओं के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए विलो, ऑप्शन बी पाइन, ऑप्शन सी कॉर्कस्क्यू हेजल और ऑप्शन डी ओक। सही आंसर है ऑप्शन सी कॉर्कस्क्यू हेजल।
अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज अ सिंबल ऑफ लॉन्गेविटी इन चाइनीज कल्चर, कौन सा वृक्ष चीनी संस्कृति में दीर्घायु का प्रतीक है? ऑप्शन ए बैम्बू, ऑप्शन बी चेरी ब्लॉसम, ऑप्शन सी गिंको और ऑप्शन डी पाइन। सही आंसर है ऑप्शन सी गिंको। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज ऑफन कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कौन सा वृक्ष अक्सर वन का राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए पाइन, ऑप्शन बी ओक, ऑप्शन सी बैनियन और ऑप्शन डी रेडवुड। सही आंसर है ऑप्शन बी ओक। अगला क्वेश्चन है, विच ट्रीज बार्क इज ऑफन यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेस, किस वृक्ष की छाल का अक्सर औषधीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी बर्च, ऑप्शन सी विलो या ऑप्शन डी पाइन। सही आंसर है ऑप्शन सी विलो। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज नोन फॉर इट्स ब्राइट येलो फॉल फॉलिएज एंड इज ऑफन प्लांटेड अलोंग सिटी स्ट्रीट्स, कौन सा वृक्ष अपनी चमकीली पीली शरद ऋतु की पत्तियों के लिए प्रसिद्ध है और अक्सर शहर की सड़कों पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी गिंको, ऑप्शन सी पाइन या ऑप्शन डी बर्च। सही आंसर है ऑप्शन बी गिंको। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज नोन फॉर इट्स यूनिक स्वैम्प हैबिटेट, कौन सा वृक्ष अपनी अद्वितीय दलदल आवास के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मैंग्रोव, ऑप्शन बी बैनियन, ऑप्शन सी पाइन और ऑप्शन डी ओक। सही आंसर है ऑप्शन ए मैंग्रोव। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, कौन सा वृक्ष ताकत और सहन शक्ति का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी पाइन, ऑप्शन सी सेडर और ऑप्शन डी विलो। सही आंसर है ऑप्शन ए ओक। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू विदस्टैंड ड्रॉट कंडीशंस, कौन सा वृक्ष सूखा रहने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाओबैब, ऑप्शन बी ओक, ऑप्शन सी मैपल और ऑप्शन डी पाइन। सही आंसर है ऑप्शन ए बाओबैब। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज ऑफन यूज इन लैंडस्केपिंग फॉर इट्स ब्यूटी एंड शेड, कौन सा वृक्ष अपनी सुंदरता और छांव के लिए लैंडस्केपिंग में अक्सर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी मैपल, ऑप्शन सी पाइन या ऑप्शन डी विलो। सही आंसर है ऑप्शन बी मैपल। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एंशिएंट एंड मिस्टिकल सिंबोलिज्म, कौन सा वृक्ष प्राचीन और रहस्यमय प्रतीकवाद से जुड़ा हुआ है?
ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी ऑलिव, ऑप्शन सी यू या ऑप्शन डी बैनियन। सही आंसर है ऑप्शन सी यू। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज फेमस फॉर इट्स एडिबल लीव्स यूज इन कुकिंग। कौन सा वृक्ष अपनी खाने योग्य पत्तियों के लिए प्रसिद्ध है जो पकवानों में उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए मैंगो, ऑप्शन बी करी लीफ ट्री, ऑप्शन सी नीम या ऑप्शन डी बैनियन। सही आंसर है ऑप्शन बी करी लीफ ट्री। अगला क्वेश्चन है, विच ट्रीज वुड इज यूज टू मेक हाई क्वालिटी फर्नीचर। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग उच्च गुणवत्ता के फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी पाइन, ऑप्शन सी बर्च या ऑप्शन डी सेडर। सही आंसर है ऑप्शन ए ओक। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज नोन फॉर इट्स वीपिंग अपीयरेंस ड्यू टू इट्स ड्रूपिंग ब्रांचेस। कौन सा वृक्ष अपनी झुकी हुई शाखाओं के कारण रोने जैसा दिखता है। ऑप्शन ए विलो, ऑप्शन बी पाइन, ऑप्शन सी सेडर या ऑप्शन डी ओक। सही आंसर है ऑप्शन ए विलो। अगला क्वेश्चन है, विच ट्रीज ऑफन एसोसिएटेड विद एंशियंट मिथ्स एंड लेजेंड्स। कौन सा वृक्ष प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों से जुड़ा होता है। ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी पाइन, ऑप्शन सी मैपल या ऑप्शन डी बैनियन। सही आंसर है ऑप्शन ए ओक। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज ऑफन यूज एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट इन बॉन्साई गार्डनिंग। कौन सा वृक्ष अक्सर बॉन्साई बागवानी में सजावटी तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मैपल, ऑप्शन बी जूनिपर, ऑप्शन सी पाइन या ऑप्शन डी ओक। सही आंसर है ऑप्शन बी जूनिपर। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज अ कॉमन फीचर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय वर्षा वन्य में एक सामान्य विशेषता है। ऑप्शन ए बैनियन, ऑप्शन बी पाम, ऑप्शन सी मैंगो या ऑप्शन डी कोकोनट। सही आंसर है ऑप्शन बी पाम। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज कंसिडर्ड टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून इन सम कल्चर्स। कौन सा वृक्ष कुछ संस्कृतियों में सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बैनियन, ऑप्शन सी मनी ट्री और ऑप्शन डी मैंगो। सही आंसर है ऑप्शन सी मनी ट्री। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज नोन फॉर इट्स थिक फोलियज एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड एक्सीलेंट शेड। कौन सा वृक्ष अपनी घनी पत्तियों और उत्कृष्ट छाव प्रदान करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी मैपल, ऑप्शन सी पाइन या ऑप्शन डी विलो।
सही आंसर है ऑप्शन ए ओक। अगला क्वेश्चन है विच ट्री इज फेमस फॉर इट्स लार्ज एंड फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ऑफन यूज इन परफ्यूम्स। कौन सा वृक्ष अपनी बड़ी और सुगंधित फूलों के लिए प्रसिद्ध है जो अक्सर इत्र में उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए जैस्मिन, ऑप्शन बी मैग्नोलिया, ऑप्शन सी रोज और ऑप्शन डी लोटस। सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नोलिया। अगला क्वेश्चन है विच ट्री इज नोन फॉर इट्स लार्ज फैन शेप लीव्स। कौन सा वृक्ष अपनी बड़ी पंखे के आकार की पत्तियों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए गिंकगो, ऑप्शन बी मैपल, ऑप्शन सी ओक और ऑप्शन डी पाइन। सही आंसर है ऑप्शन ए गिंकगो। अगला क्वेश्चन है विच ट्री इज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी इन मेनी कल्चर्स। कौन सा वृक्ष कई संस्कृतियों में उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी पोमग्रेनेट या ऑप्शन डी नीम। सही आंसर है ऑप्शन सी पोमग्रेनेट। अगला क्वेश्चन है विच ट्री इज फेमस फॉर इट्स लार्ज कलरफुल ब्लूम्स एंड इज अ कॉमन गार्डन ऑर्नामेंटल। कौन सा वृक्ष अपनी बड़ी रंगीन फूलों के लिए प्रसिद्ध है और एक सामान्य बागवानी सजावट है। ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी हिबिस्कस, ऑप्शन सी ट्यूलिप या ऑप्शन डी बोगेनवेलिया। सही आंसर है ऑप्शन बी हिबिस्कस। अगला क्वेश्चन है विच ट्री इज नोन फॉर इट्स हाईली फ्रेग्रेंट फ्लावर्स एंड इज ऑफन यूज्ड इन ट्रेडिशनल परफ्यूम्स। कौन सा वृक्ष अपनी अत्यधिक सुगंधित फूलों के लिए जाना जाता है और पारंपरिक इत्रों में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लैवेंडर, ऑप्शन बी जैस्मिन, ऑप्शन सी रोज या ऑप्शन डी मैरीगोल्ड। सही आंसर है ऑप्शन बी जैस्मिन। अगला क्वेश्चन है विच ट्री इज नोन फॉर हैविंग लॉन्ग नैरो लीव्स एंड इज कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट्स। कौन सा वृक्ष लंबे संकीर्ण पत्तों के लिए जाना जाता है और आमतौर पर रेगिस्तानों में पाया जाता है। ऑप्शन ए कैक्टस, ऑप्शन बी पाम, ऑप्शन सी विलो और ऑप्शन डी यूकैलिप्टस। सही आंसर है ऑप्शन बी पाम। अगला क्वेश्चन है विच ट्री वुड इज यूज टू मेक पेंसिल्स। किस वृक्षी लकड़ी का उपयोग पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए पाइन, ऑप्शन बी ओक, ऑप्शन सी बर्च और ऑप्शन डी सेडर। सही आंसर है ऑप्शन ए पाइन। अगला क्वेश्चन है विच ट्री इज फेमस फॉर इट्स एबिलिटी टू स्वेट एंड रिलीज वाटर फ्रॉम इट्स बार्क। कौन सा वृक्ष अपनी छाल से पानी छोड़ने और पसीना बहाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यूकैलिप्टस, ऑप्शन बी पाइन, ऑप्शन सी बर्च और ऑप्शन डी ओक। सही आंसर है ऑप्शन ए यूकैलिप्टस। अगला क्वेश्चन है विच ट्री इज नोन फॉर इट्स येलो ब्लॉसम्स एंड इज द नेशनल फ्लावर ऑफ थाईलैंड।
कौन सा वृक्ष अपनी पीली कलियों के लिए जाना जाता है और ये थाईलैंड का राष्ट्रीय फूल है? ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी ऑर्चिड, ऑप्शन सी मैग्नोलिया या ऑप्शन डी केशिया। सही आंसर है ऑप्शन डी केशिया। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज नोन फॉर इट्स सॉफ्ट सिल्वरी लीव्स एंड इज ऑफन यूज्ड एज एन ऑर्नामेंटल ट्री इन गार्डन्स? कौन सा वृक्ष अपनी मुलायम चांदी जैसी पत्तियों के लिए जाना जाता है और इसे अक्सर बागवानी में सजावटी वृक्ष के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विलो, ऑप्शन बी सिल्वर बर्च, ऑप्शन सी ऑलिव या ऑप्शन डी एल्म। सही आंसर है ऑप्शन बी सिल्वर बर्च। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज ऑफन सीन एज अ सिंबल ऑफ विजडम इन यूरोपियन फोकलोर? कौन सा वृक्ष यूरोपीय लोक कथाओं में ज्ञान का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी बर्च, ऑप्शन सी पाइन या ऑप्शन डी मैपल। सही आंसर है ऑप्शन ए ओक। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज फेमस फॉर इट्स एबिलिटी टू लिव फॉर हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर? कौन सा वृक्ष सैकड़ों या यहां तक कि हजारों वर्ष तक जीवित रहने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रेडवुड्स, ऑप्शन बी ओक, ऑप्शन सी बाओबैब या ऑप्शन डी बैनियन ट्री। सही आंसर है ऑप्शन ए रेडवुड्स। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू सर्वाइव इन कोल्ड क्लाइमेट्स? कौन सा वृक्ष ठंडे वातावरण में जीवित रहने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए पाइन, ऑप्शन बी मैपल, ऑप्शन सी सेडर या ऑप्शन डी ओक। सही आंसर है ऑप्शन ए पाइन। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज ऑफन यूज फॉर शेड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट ड्यू टू वाइड कैनोपी? कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अपनी चौड़ी छांव के कारण अक्सर छांव के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैंगो, ऑप्शन बी बैनियन, ऑप्शन सी कोकोनट या ऑप्शन डी पाम। सही आंसर है ऑप्शन बी बैनियन। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री हैज रेप्यूटेशन फॉर हैविंग द मोस्ट पावरफुल रूट सिस्टम इन द वर्ल्ड? कौन सा वृक्ष अपनी सबसे शक्तिशाली जड़ प्रदानी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बैनियन, ऑप्शन बी ओक, ऑप्शन सी पाइन या ऑप्शन डी विलो। सही आंसर है ऑप्शन ए बैनियन। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज नोन फॉर हैविंग वेरी डीप रूट एंड इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन मोस्ट एरिड कंडीशंस? कौन सा वृक्ष अपनी गहरी जड़ों के लिए जाना जाता है और ये सबसे शुष्क परिस्थितियों में जीवित रह सकता है? ऑप्शन ए बायोबैग, ऑप्शन बी विलो, ऑप्शन सी पाइन, ऑप्शन डी ओक। सही आंसर है ऑप्शन ए बायोबैग। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।